गाइस वी आर बैक विद सम मोर डीएलसी जीटेक। एक और नई डीएलसी में आ चुके हैं। आज हम कंपेयर करने वाले हैं दुनिया की सबसे मतलब जीटेक लॉस सैंटोस की सबसे महंगी और सबसे कमजोर गाड़ी। लेकिन 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 अपन को वो सिर्फ चूज करनी है लेजेंडरी मोटर स्पोर्ट से, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी और सबसे गंदी गाड़ियाँ मिलती हैं। गंदी तो क्या ही बोलूँ, सारी अच्छी है और सबसे गंदी यहाँ पे मिलती है। लेकिन हमें यहाँ पे जाना है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे काम है नहीं, क्योंकि हमें स्पोर्ट्स वाली ढूंढनी है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इस वाली वेबसाइट को खोलते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बटन आ रहा है शॉर्ट बाय प्राइस। तो सबसे पहले मैं करूँगा तो फ्री की गाड़ियाँ, कुछ ज़्यादा ही फ्री की गाड़ियाँ हैं। लेकिन अपने को फ्री की नहीं लेनी है, फ्री की भाड़ में अपने को सबसे पहले चाहिए सबसे सस्ती गाड़ी इसमें से। सबसे पहले मतलब इस वेबसाइट में वो हम पहले दूसरी बार चेक करेंगे, लेकिन अभी सबसे सस्ती गाड़ी, अभी तो फ्री है लेकिन सस्ती ढूंढनी है हमें। तो सबसे अब ये बाइक आ गई, ये बाइक आ गई तो ये इसका नाम है वैपिट होट नाइफ और इसका प्राइस है 90K, बोले तो 90,000। तो अगर हम इसको बाय करते हैं, लेकिन मैं इसको ऑर्डर करूँगा कहीं और ही बहुत दूर, मतलब नाइट क्लब, नहीं यहाँ नहीं। ये कौन सी मेरी प्रॉपर्टी है, 331 से करूँगा ठीक है। तो अभी ये हमने लिए सबसे सस्ती गाड़ी, अब लेंगे हम सबसे महंगे वाली। तो अगर मैं दोबारा शॉर्ट पर प्रेस करूँगा और दोबारा शॉर्ट पर प्रेस करूँगा तो आ जाएगा हमारे पास सबसे महंगी गाड़ियों की लिस्ट, बिल्कुल आर पार वाली। तो सबसे महंगी जो गाड़ी है वो है F1 रेस वाली, ये कैसीनो हैश की थी, प्रोगन PR4। मेरे पास PR3 है, लेकिन भाई क्या कंचा गाड़ी है भाई ये। तो चलो एक काम करते हैं, इसको भी अभी ऑर्डर कर देता है। लेकिन इसका प्राइस देखो भाई, 3 मिलियन, वो 95 कहाँ और ये 3 मिलियन कहाँ भाई। चलो कोई इसको ऑर्डर करते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। इसको ऑर्डर करेंगे हम यहीं पे 331 पे। चलो अब हमने ऑर्डर कर दिया, तो अभी टाइम तो लगेगा शायद वापस आने में। तो हम एक बार कॉन्टैक्ट करके देखते हैं, शायद आ चुका होगा अभी तक। अगर हम मैकेनिक को फ़ोन करेंगे तो अभी देखते हैं। अरे सामने क्या करते थे यार, बनाने लावे। चलो हमें यहाँ ना वहाँ तक भागना पड़ेगा। एक्सचेंज में जब भी कॉन्टैक्ट करता ही रहूँगा, मैं बेचना भी इंसान हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा। तो पहले कॉन्टैक्ट कहाँ है, कॉन्टैक्ट ये रहा मैकेनिक, मैकेनिक के पास फ़ोन करके पूछेंगे कहाँ पे है भाई हमारी गाड़ी, कहाँ दिक्कत आ रही है। अभी भी नहीं ला सकता क्या, बड़ा नल्ला है वे। यहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह है क्या, नहीं। दोबारा कॉल करेंगे, भाई सबसे बेच रहा हूँ वहाँ यार। एक दिक्कत है यार, वो हमेशा वहाँ पे रोड पे फोन होगी, तो हमें सबसे पहले उसको यहाँ लाना पड़ेगा, तब जाके हम उसको टेस्ट कर सकते हैं ढंग से। वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी होने वाली है, वैसे डिस्क्लेमर दे रही हूँ। हाँ तो अभी यार ये चल क्यों नहीं रहा। सबसे पहले काम करते हैं अपन, ये वाली गाड़ी चुराते हैं लोकल चोमू की, इसको चोमू को लेके अब चलते हैं अपन रोड पे। रोड पे पक्का हम ऑर्डर कर सकते हैं, इतना तो मैं जानता हूँ, इतना तो मैं हूँ प्रो। नहीं मेरे को पुलिस नहीं पकड़वानी अपने पीछे। चल रहे गेट खोल, देखो हम इतने अमीर हैं, हमारे लिए गेट खुलता है स्पेशल, अगली बार तो हम तोड़ देंगे। चलो हम यहाँ पे आ चुका, अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे अपनी गाड़ी मंगवाते हैं पक्का। यहाँ पे तो गाड़ी आएगी आएगी मैकेनिक को, देखा भाई ये बात। तो हमारे पास अभी दो हैं यहाँ पे, एक एलिगी RH4 और एक विगलांटी, लेकिन हम इन दोनों में से अभी कुछ लेनी है, क्योंकि ये वाले वो गाड़ी है नहीं। तो अभी वो अभी तक हमारी ऑर्डर नहीं हुई, इसलिए अपने को टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। शायद अब ऑर्डर हो गई मैसेज, हाँ एक तो हो गई। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हुई है ना उसको पहले हम मंगवाते हैं और टेस्ट करते हैं कैसी है। मैकेनिक बेटे चला जा, मैकेनिक शायद फ़ोन नहीं उठाएगा अब, ये उठा लिया। अबे पुलिस, क्या दिक्कत है भाई, छोड़ो कोई पुलिस से हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो हमारी ये जो होट नाइफ है ये आ चुकी है, ये काम करते हैं अपन इसको कहीं और लेके जाएंगे। एक सेकेंड, ये स्टंट नहीं करा यार, यहाँ आके तो बात ही नहीं बनेगी फिर बन के कुछ। सीधा लैंड हो जा, हट। चलो हम होट नाइफ यहाँ पे मंगवा रहे थे, और जब से ये होट नाइफ आ रहा है ना, एक काम करते हैं अपन सबसे पहले लेस्टर को फ़ोन करते हैं, क्योंकि ये पुलिस हटवाएगा 400 रुपये लेके। भाई पुलिस क्यों, पुलिस हाँ निकाल। चलो गाइस हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, अबे चुप हो जाओ। हाँ चलो, तो गाइस ये है हमारी सबसे सस्ती गाड़ी, जिसे कहते हैं ना सबसे सस्ती गाड़ी, हमारी आ चुकी है। एक बार इसका क्लोज लुक देखते हैं कैसी है। अरे यार भाई ये तो देख के मूड खराब हुआ। चलो एक बार बैठ के देखें, इसका इंटीरियर भी चेक करते हैं एक बार। क्लासी लुक है यार, बहुत सस्ता। आप देखते हैं ये रफ्तार कितनी माइलेज देती है, लेकिन यहाँ टेस्ट नहीं करेंगे गाइस। एक काम करते हैं अपन, कुछ टेस्ट नहीं करेंगे घंटा भी, हम इसको लेके चलेंगे सीधा एयरपोर्ट पे, वहाँ पे जाके टेस्ट करेंगे बिल्कुल आराम से। तो एयरपोर्ट जाने के लिए मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्या, अबे यार क्यों गाड़ी का सत्यानाश कर रहा हूँ मैं। रुको, मैं अभी आपको कुछ नहीं बताने वाला, इसका पिकअप कैसा है, इसका क्या कैसा है, वो तो आपको पता भी नहीं चलेगा वैसे। एक सेकेंड, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कहाँ से जाएंगे, एक सेकेंड। ओए बदमाश बन रहे हो तुम,
अबे यार पुलिस ही है तो। अब एक सेकेंड गाइस, वीडियो ये बड़ी करवाई पुलिस, एक बार मेरे को पुलिस से कॉन्टेक्ट करना है तो कि भाई क्या दिक्कत क्या तुम्हें। लेस्टर, चलो लेस्टर को फोन करते हैं। What do you need exactly? भाई 3:30 मिनट। Okay, keep in touch. अरे यार गाइस अपने को 3 मिनट रुकना पड़ेगा, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, हम जाएंगे एयरपोर्ट। इसमें आएंगे जरा हम भी देखें हमें रोकने का। तो गाइस देखो हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अब मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या पिकअप है क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमें पहुंचना पड़ेगा इसके मेन रोडवे पे जहाँ पे अपन वो चलाएंगे, और ये हम आ चुके हैं। अब यार पुलिस यहाँ पे भी आ गई, एक सेकेंड गाइस, चलो चलो अब पुलिस जा चुकी है हमारी। एक काम करता है इसको बिल्कुल यहाँ से टेस्ट करते, देखो यहाँ से अब हमें देखना कि इसका पिकअप कैसा है। चलो आवाज़ तो बहुत ओपी है इसकी, देखा जाए ना, देखो वो ये देखो आगे से उठ रही है, आगे से उठ रही है देखो इतनी हल्की है ये आगे से उठ रही है। ओ भाई चलो छोड़ो ये छोड़ो, आवाज़ बहुत अच्छी है। चलो अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं, 3, 2, 1। अबे पुलिस वाले को क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है ठीक है, तो रफ्तार कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन 90 के में देखे ना तो सबसे अच्छी गाड़ी मेरे को लगी है, मतलब सबसे सस्ते में गाड़ी ये लगी मेरे को, अच्छी गाड़ी है, लुक भी अच्छा, क्लासी लुक दे रहा है बिल्कुल बढ़िया वाला। अब जो हम गाड़ी मंगवाने वाला, चलो यार पहले इसकी बात पूरी ख़त्म करते हैं। ब्रेक्स बिल्कुल ख़राब है भाई, ब्रेक्स ब्रेक्स इसके बिल्कुल ख़राब है। देखो अब मैं दिखाता हूँ कैसे ब्रेक्स है इसके, मैं थोड़ा आधे रास्ते में ब्रेक मारना शुरू कर दूँ, अब देखना कहाँ जाके रुकेगी ये। 3, 2, 1 ये देखो मैंने ब्रेक दबाए रखा है, अब जाके रुकी है, देखो कितना पीछे से रुका था। मतलब यार ब्रेकिंग का तो मैं कह नहीं सकता कुछ अच्छा है, ये कुछ नकली है भाई, कुछ नहीं कह सकते इसका। अब एक काम करते हैं, इसकी हमने टेस्टिंग कर ली है, अब हम जाते हैं मेन रोड पे और वहाँ से लेके आते हैं अपनी दूसरी गाड़ी यार। लेकिन ये थी बहुत बेकार, एक बार क्लोज इसका बाहर से लुक देख ले एक बार, लेट्स सी कैसा लग रहा है। यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, यार वैसे तो सही लग रही है, इतनी ज़्यादा मतलब बुरी नहीं लग रही बाहर से, देखो इतनी वैसे बुरी तो लग नहीं रही, ठीक ही लग रही है। मतलब ज़्यादा ऐसे मतलब कुछ क्लासिक, क्लासिक में भी है ना सबसे लो मॉडल मान लो आप, लेकिन जितना लो है ना उतना मेरे को अच्छी लगी। देखो गाड़ी के टायर के स्पाइक भी निकले पड़े हैं, बोले तो स्पाइक बोले तो अगर हम किसी से टकराएंगे ना यहाँ से ऐसे तो वो गाड़ी फट सकती है या फिर उसके टायर फट सकते हैं, ऐसा कुछ होता है इसका मतलब शायद, मैं टुक के बिठा रहा हूँ, कहीं मेरी बेइज्जती कर दो कमेंट सेक्शन में। हाँ चलो ये यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, अब चल पे गेट खोल, ये हुई ना बात। अब एक काम करते हैं, अगर हम दबाएंगे एफ देन दबाएंगे एम फिर जाएंगे व्हीकल फिर जाएंगे रिटर्न टू, अब हम एक काम करते हैं फिर से हमारे चोमू बोले तो मैकेनिक को फ़ोन करते हैं। मैकेनिक कहाँ है बेटे, मैकेनिक हाँ, अगर मैकेनिक को फ़ोन करा फिर हम दोबारा ऑर्डर करेंगे, लेकिन इस बार हम ऑर्डर करेंगे अपनी नई वाली जो बिल्कुल महंगी वाली गाड़ी थी, वो थी हमारी 331 पे और वो थी PR4 बॉयज PR4। देखते हैं कहाँ आएगी, वैसे तो वहाँ आएगी पीछे, लेकिन हमें आगे देखना पड़ेगा उसके लिए, पीछे कोई नहीं देखेगा तब वो आएगी। आगे क्या, अबे कितनी आगे आई है बे, मतलब अब मैं उतना पैदल भागूंगा जाके, ये कोई बात हुई। चलो ये बात तो सही है, वैसे ये वीडियो इतनी बड़ी तो बननी थी, वो उस टाइम मिलेगा तो बेफालतू का, अगर आप देख रहे हो तो इतनी लॉन्ग तक पहुंच गए तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, नहीं हो तो चैनल में कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलो PR4 एक गाड़ी है बोले तो, एक ये F1 रेस के लिए काम आती है, हमारे ये ऑन रोड नहीं चलती, चलती है लेकिन ज़्यादा कर ये F1 रेसेस वगैरह में काम आती है। यार बाहर से लुक छोड़ो अभी नहीं बताएगा, मैं अभी नहीं बताएगा मैं, आधे लोग देखते समझ गए क्या चल रहा है यहाँ पे। चलो गाइस हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब एक काम करते हैं पहले लाइटनिंग के पास पहुंच जाते हैं। अब मैं भाई इसको अब उतार के एक बार लुक देख लूँ क्या सारा है, तो मैं बताऊंगा तो बाहर से जो बॉडी है ना वो ज्यादा ऑसम दिख रही है, मतलब बिल्कुल खतरनाक खतरनाक F1 रेस जो वाली होती है बिल्कुल वैसी सेम टू सेम एटॉमिक टायर बोले तो, इन्होंने पहले से हमें कस्टम करके दे रखी है इसका मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने सुना है इसमें बूस्टर्स भी लगे हुए हैं, तो एक काम करते हैं अभी यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो
तो और हम इस गाड़ी में बूस्टर भी यूज करेंगे क्योंकि इसमें इनबिल्ट बूस्टर लगे हुए, हमने कोई यूज करा है नहीं। चलो 3 2 1 ये लगाया बूस्टर, ये एक और बूस्टर लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। बहुत ओपी रफ्तार है, मजा आ गया ये। हाँ और मैं बताना भूल गया गाइस, ये GT की सबसे फास्टेस्ट है। और देखो मैं ब्रेक मारूंगा, ब्रेकिंग देखी इसकी भाई ओपी ब्रेकिंग। एक बार दोबारा टेस्ट करते यार इसके। सबसे पहली बात, रफ्तार 10 out of 10, ब्रेक्स 10 out of 10, बॉडी को मैं ज़्यादा नहीं दूंगा 10 out of 7 तो पक्का मिलेंगे। टायर्स भी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको कस्टम करवाऊँ माशाल्लाह एक नंबर। देखो ना मैं ब्रेक्स मारना शुरू करूँगा, 3 2 1 सिर्फ 5 से 10 meters में इसने 100-200 की रफ्तार। अब इसका FEV में, अरे हाँ अगर मैं बताना भूल गया, FEV में हमें FPP व्यू में हमें इसकी रफ्तार भी दिखेगी। चलो 3 2 1 ओ भाई देखो हमने 101 पार कर दी वे, और नीचे अभी भी चली रही है हॉर्स पावर। KPM में 104 126 135। चलो ब्रेक मार देते हैं। अब भाई अब मैं कंपैरिजन करूँ तो यार कंपैरिजन तो दूर दूर तक नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं लुक वाइज मैं दूंगा अगर क्लासी में देना हो। अबे यार हाँ मैं पता, देखो ये होती है बस सबसे फास्टेस्ट गाड़ी की दिक्कत, ड्रिफ्ट मार देती है। तो हमारी वो अड्डा कहाँ गया जहाँ पे हम गाड़ी रिव्यू करते हैं हमारी, यहाँ पे आ गया ना। हाँ तू पहले स्पॉन हो जा, रुको पहले हमें गाड़ी उसी पोजीशन में लगानी पड़ेगी, थंबनेल शॉट भी तो लेना है। चलो अगर मैं बॉडी का दूंगा तो 8 दूंगा, लेकिन उस वाली बॉडी कुछ ज़्यादा ही क्लासिक लुक था और अच्छी दिख रही थी देखने में, मतलब अच्छी दिख रही थी क्योंकि वो ओल्ड में कुछ ज़्यादा मतलब क्लासिक लुक, क्योंकि GTA में पूरी मॉडर्न गाड़ी बड़ी पड़ी है, लेकिन वो क्लासिक लुक इतना अच्छा लग रहा था ना भाई देखने में। ओवरऑल इसकी बात करें तो यार मज़ा आ गया इसको चला के, तो वैसे मज़ा जैसे कहते हैं ना मज़ा वो आ गया भाई। अच्छी गाड़ी है बहुत ज़्यादा। तो गाइस आपको, आप जरा कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी गाड़ी मिली, कैसी गाड़ी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आपकी हाँ ये स्क्रीन पे 2 वीडियो दिख रही है ना, देख लो चुपचाप, बढ़िया माइनक्राफ्ट बढ़िया प्लेलिस्ट देखो एक नंबर। सो बाय।